को 1956 में बाबा साहब ने यहाँ पे के लिए नहीं मतलब पूरे इंडिया के लिए ये बहुत हिस्टोरिक। यही तारीख डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धन हे गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं नागपुर के दीक्षा भूमि में। ये जगह ना सिर्फ नागपुर के लिए नहीं मतलब पूरे इंडिया के लिए ये बहुत हिस्टोरिकली बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। इस ये लोकेशन हमने पहले भी कवर किया है, मतलब डाने पहले भी कवर किया है, लेकिन हमको कभी मौका नहीं मिला अंदर जाने का। कभी नहीं गाइस। हाँ तो आज और मेरे को कभी मौका नहीं मिला अंदर जाने का। और धूप भाई साहब बताओ बहुत तेज आज हमारे नागपुर में, बारिश तो गायब ही हो गई। और उसी के लिए हमने आज प्लान किया कि आज है संडे और आज कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसके कारण यहाँ पे भीड़ हो। तो सही में आज भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, ना के बराबर भीड़ है। इसलिए हम लोग ने प्लान किया और फटाफट से हमारी गाड़ी उठाई और पहुँच गए दीक्षा भूमि। हम पर्टिकुलरली देखने आए, अंदर जाने आए, क्योंकि अंदर जाने कभी घूमने के लिए आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ब्लॉग ही बना लिया जाए और पूरा दीक्षा भूमि को आज कवर कर लिया जाए। और अंदर जाने से पहले मैं बता दूँ आपको यहाँ की हिस्ट्री जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का ऐसी है, ये वो प्लेस है जहाँ पे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहेब ने यहाँ पे दीक्षा ली थी। दीक्षा का मतलब उन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को अपनाया था। और यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है ना गाइस, बाबा साहेब की जो अस्थियों का कलश है वो भी यहाँ पे रखा गया है। तो चलो अभी चलते फटाफट से, हमारे कदम बढ़ाते हैं दीक्षा भूमि की ओर और आगे कवर करेंगे हमारी बात। 14 अक्टूबर, यही तारीख डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने धर्म परिवर्तन के लिए चुना था, क्योंकि इसी तारीख को महान सम्राट अशोक मौर्य ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। यहाँ आते ही हमें हमारे देश का प्रियम्बल नजर आता है, जिसे हमारे देश के संविधान की चाबी भी कहा जाता है। वही संविधान जिसे बनाने में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है सम्राट अशोक की बेटी राजकुमारी संगमित्रा बोधगया से मूल बोधि वृक्ष के एक शाखा को श्रीलंका के अनुराधापुरा शहर में लगाया। बाद में इसी के 3 शाखाओं से उगाया गया यहाँ का बोधि वृक्ष। दीक्षा भूमि के अंदर आते ही आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी पिक्चर गैलरी दिखेगी, जहाँ आपको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन के कुछ विशेष लम्हे देखने को और उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा। तो गाइस फाइनली चलो हम लोग आ गए बाहर दीक्षा भूमि घूम के। और सच्ची बताऊँ ना, मतलब पहली बार मैं अंदर गया, मतलब हम दोनों अंदर गए। हाँ। और बहुत मजा आया। और आज का जो वाइब्स था ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, अभी बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी पर जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। और थैंक यू, कम से कम 7-8 लोग हमको मिले जिन्होंने चैनल भी देखा, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया, वो शायद ये ब्लॉग देख भी रहे होंगे। तो थैंक यू आप सभी का इतना मतलब सपोर्ट करने के लिए। अंदर परमिशन नहीं था, फिर भी हमारे को धीरे 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 थोड़ा थोड़ा परमिशन मिलते गया शूट करने का। कुछ लोगों ने हमारे को परमिशन दिया, उसके लिए भी थैंक यू। तो सपोर्ट किया काफ़ी साथ, मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोग को सपोर्ट किया। काफ़ी लोग को लगा कि हम लोग नागपुर के बाहर से है, स्पेशली तो जापनीज लगी गोरा चमड़ी गाइस। हाँ तो पूछा लगा सरदार और इसका चेहरा मैच नहीं करता ना, ज़्यादा ही गोरी है गाइस, मतलब बॉडी शेविंग नहीं कर रहा हूँ थोड़ा सा जापनी दिखती है मेरे को, थाई टाइप लगती है। हाँ ठीक है, तो चलो बस इतना ही बोलना था। थैंक यू आप सभी को जिन्होंने हमको सपोर्ट किया अंदर दीक्षा भूमि में। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। हाँ और जाने से पहले हम लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो ये है फाइनल वाला, बाय 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 गाइस।